अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुफियान यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप को कंप्यूटर या अपने लैपटॉप के जरिए एक्सेस कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपका मोबाइल एक तरफ पड़ा रहेगा और आपके मोबाइल में जो आपका व्हाट्सएप है, मेन व्हाट्सएप, आपकी मेन जो आईडी है, उसको आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे होते हैं किसी के, और हम अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं और हमें अपने मोबाइल को उठाकर रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से ही अपनी मेन आईडी से एसएमएस रिप्लाई कैसे दे सकते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल को अपने हाथ में ले लेना है, उस पर आपने सिंपली व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास सर्च के साथ जो तीन ऑप्शन वाला डॉट ऑप्शन वाला ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोगों को तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन शो हो रहा है व्हाट्सएप वेब, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन होगा। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखें बोल रहा है विजिट वेब डॉट व्हाट्सएप डॉट कॉम ऑन योर कंप्यूटर एंड स्कैन द क्यूआर कोड। तो चलिए हम क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर में ये वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, व्हाट्सएप की मेन वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली इंटर प्रेस करूँगा और हमारे पास वो वेबसाइट ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हमें एक क्यूआर कोड पाइट किया जाएगा और सिंपली इस मोबाइल के ज़रिए हमने इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। तो चलिए स्कैन करते हैं। यहाँ पर हमने स्कैन पर लगा दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन हो चुका है और यहाँ पे कंप्यूटर जो है उस क्यूआर कोड को जो है वो वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्यूआर कोड भी वेरीफाई हो रहा है। और बाद में आपको बताऊंगा कि हमारा जो मोबाइल वाला व्हाट्सएप है वो हमारे कंप्यूटर में जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रिट्राइंग सेटिंग सेकेंड्स चल रहे हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो हमारा व्हाट्सएप हमारे कंप्यूटर में ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप जो हमारे कंप्यूटर में ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप हमारे कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, सेम कॉन्टैक्ट हमारे कंप्यूटर में भी आ चुके हैं। तो सिंपल सा मेथड है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप दो तीन स्टेप से आप अपने जो है मोबाइल के व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर में सिंपली ओपन कर सकते हैं और यहीं से अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं। आपको मोबाइल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आपने जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में अपनी व्हाट्सएप को किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल आपके कंप्यूटर में बैक कैमरा लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।